हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। आप लोग कैसे हैं? तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि जो गांव में एजेंट होते हैं वो कैसे फ्रॉड काम करते हैं। दुबई में जो है कि फ्रॉड काम इतना बहुत हो रहा है कि वहां पर विजिट वीजा से जो है कि यहाँ पर भेज दे रहे हैं, और यहाँ पर इतना फ्रॉड काम हो रहा है कि जगह जगह आदमी फंसे पड़े हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में उन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहला काम ये होता है, फ्रॉड काम करते हैं कैसे, एजेंट करते हैं, वही चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले जो गांव में एजेंट होते हैं उसमें से 10 आदमी में से एक आदमी क्या करता है कि यहाँ पर दुबई में आकर जो कि एक ऑफिस खोल के बैठा है। ऑफिस में यहाँ से विजिट वीजा निकाल कर गाँव में भेजता है, और गांव में से एजेंट क्या करते हैं, आप लोगों को यहां पर भेज देते हैं। अब यहां पर आने के बाद क्या होता है कि वो आप लोगों को लेकर दूसरी दूसरी कंपनी में जाएगा और आप लोगों को टेस्ट मरवाएगा। अगर आप लोग टेस्ट पास कर ले रहे हैं तो आप लोगों को काम मिल जाता है। अगर टेस्ट पास अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो आप लोग क्या करेगा, उठाकर जो कि सीधे सप्लाई कंपनी में डाल देगा। मतलब उनका खुद का कुछ नहीं रहता है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ऑफिस खोल के बैठे हैं और गांव से आदमी को बुलाकर दूसरे दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो है कि अपना पैसा कमा लेते हैं। अगर वो भी हो पाया तो हो जाएगा, नहीं होगा तो आप लोग को छोड़कर भाग जाएंगे। तो वो अगर आप लोगों को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए तकरीबन वहाँ से आप लोगों से 60, 65 और 70 के करीब पैसा लेता है, और उसमें से उसका क्या हो गया, 5,000, 6,000, 7,000 का टिकट मिल जाता है, और 5,000, 6,000 का जो कि विजिट वीज़ा मिल जाता है एक महीने का। तो उसमें उसका खर्चा क्या जाता है, आप लोगों का आप ही का पैसा जो है 70,000 में से 20,000 रुपया निकाल दीजिए, 50,000 उसका सेफ बच गया। अगर इसी तरह 5 आदमी पकड़ लिया, 5 आदमी को एक बार भेज दिया तो 2.5 लाख रुपया हो गया, और वो जो है कि फरार हो गया, और आप लोगों को काम जो यहाँ पर नहीं मिला, और यहाँ आप लोग भटक गए, फंस गए, फिर क्या करेंगे आप लोग। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है कि विजिट वीजा से अगर कोई भी एजेंट आपको बोलता है कि जाओ वहाँ पर ऐसी कंपनी है, बढ़िया फैसिलिटी है, बढ़िया सैलरी है, तो आप लोगों को विजिट वीजा पर नहीं आना है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी आप लोगों को यहाँ पर बुलाती है तो अपने खुद के एम्प्लॉय वीजा से जो है कि बुलाएगी, कोई भी कंपनी विजिट वीजा से जो है कि नहीं बुलाती है। अगर विजिट वीजा से बुलाएगी तो सप्लायर कंपनी बुलाती है। तो यहाँ पर यही काला काम चल रहा है, काला धंधा इन लोगों का चल रहा है कि वहाँ पर जो है कि गांव से बुलाते हैं और यहाँ पर फंसाते हैं। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल यहाँ की सच्चाई में बता देता हूँ, क्योंकि हमें भी यहाँ पर रहते हुए तकरीबन 8 साल से ऊपर हो गया है, और हमें यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी हो चुकी है कि एजेंट लोग कैसे फंसाते हैं। तो आप लोग जो है कि यहाँ पर कंप्लेन भी नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप लोग कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये विजिट वीजा से यहाँ पर जॉब सर्च करना कानूनन अपराध है। तो आप लोग बिल्कुल इन फ्रॉडों से सतर्क रहिए, और हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी भाई दुबई में आना चाहता है उसको ये वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाए और फ्रॉड कामों से, फ्रॉड होने से बच जाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा जय हिंद, जय भारत।